बहन कुमारी मायावती और चंद्रशेखर रावण दोनों आए ट्विटर पर आमने सामने। बहुजन समाज पार्टी की बीएसपी पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती अपने ही समाज के लोगों से हो रही हैं परेशान, क्योंकि भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण ने इलेक्शन लड़ने का कर दिया है फरमान जारी। वहीं मायावती ने ट्विटर करके कहा है कि भीम आर्मी के चंद्रशेखर बीजेपी का एजेंट है और बीजेपी के लिए काम कर रहा है, क्योंकि जब उसने पहले कहा था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, उसके बावजूद भी इलेक्शन लड़ना शुरू हो गया। मुझसे ज्यादा नजदीकियां बढ़ाने के लिए, मुझे बुआ कहके संबोधित करके मेरे से नजदीकियां, पार्टी से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करी ताकि बहुजन समाज को वोटों को सेक लगाई जा सके। पहले ये न्यूजें एक दूसरे की विवादित तरीके से चला करती थी, लेकिन अब ये दोनों आ गए हैं आमने सामने, मायावती और चंद्रशेखर रावण। ट्विटर का विवाद यहीं पे खत्म नहीं हुआ। चंद्रशेखर रावण ने भी ट्विटर करके कहा कि मायावती मनुवादियों के हाथों की कठपुतली बन गई हैं। बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। चंद्रशेखर रावण ने एक दो नहीं तीन चार ट्विटर पे ट्वीट करके मायावती के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए। मीडिया को दिखाने के लिए मसाला मिल गया है, क्योंकि बीजेपी के 5 साल के कोई भी कार्य मीडिया नहीं दिखा रही है, लेकिन आपस की घर की लड़ाई को दिखाने के लिए उनके पास मसाला मिल गया है। चंद्रशेखर के विवादित बयानों को बढ़ चढ़कर दिखा रही है मीडिया। हम आपको चंद्रशेखर आजाद का ये ट्विटर भी दिखा देते हैं। चंद्रशेखर आजाद का ऑफिशियल अकाउंट है ये, और इसमें लिखा हुआ है, बहुजन विरोधी मनुवादी सवणों को टिकट दिए जा रहे हैं और मिशनरी कार्यकर्ताओं को एजेंट बताया जा रहा है। बहन मायावती जी से जानना चाहता हूं कि जिन सवणों को टिकट मिला है उनका बहुजन मिशन में क्या योगदान है। मायावती के एक ट्वीट के बाद चंद्रशेखर ने लगातार 2-3 ट्वीट करे और दूसरे ट्वीट में लिखा, मुझे लगता है बहन जी को गुमराह किया जा रहा है सतीश चंद्र मिश्रा द्वारा। उन्होंने हमारी सभी साहेब काशीराम जी की टीम के साथियों को एक एक करके बसपा से निकलवा दिया है, तभी आज इतने बड़े विरोध के बाद ब्राह्मणी संविधान विरोधी लोगों को टिकट देकर संसद में भेजने की तैयारी चल रही है। इस विषय पे जब हमने जानकारों से बात करी और कहा कि वाकई क्या ये बात सही है कि बहन कुमारी मायावती ब्राह्मणों के हाथ की कठपुतली बन गई है, तो उन्होंने कहा कि राजनीति ने आसान तरीके से नहीं होती है, राजनीति के लिए गणित लगाए जाते हैं और कहा जाता है और सोचा जाता है कि किसको कहां से कितना टिकट मिलेगा। पूरे दलित समाज पूरे देश में नहीं रहता है ताकि उनसे बहुजन समाज की पार्टी बीएसपी जीत जाए, इसीलिए सवर्ण समाज को भी टिकट देना पड़ता है और आप देश को अंदर सबको साथ लेके चलेंगे तभी आप विकास कर पाएंगे, तभी अपनी सरकार बना पाएंगे। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।